गणेशपेट पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले मॉडल मिल चौक से एक दर्दनाक दुर्घटना सामने आई है, जहां मामा की शादी के लिए जालंधर से आई 6 वर्षीय बच्ची को आपली बस ने कुचल दिया, जिसमें उसकी मौत हो गई है। दरअसल कल 6 वर्षीय आराध्य नागदीवे अपने पिता धीरज नागदीवे, छोटी बहन, बड़ा भाई और माँ के साथ अपने नानी के घर मॉडल मिल चौक में मामा की शादी के लिए आए थे। लेकिन आज तकरीबन दोपहर 3 बजे के दौरान आराध्य की नानी रोड के उस पार कचरा फेंकने गई और उसके पीछे ही आराध्य भी दौड़ी। तभी उसके पीछे से आ रही परिवहन आपली बस ने आराध्य को कुचल दिया। अतिरिक्त रक्तस्राव के कारण बच्चे को मेयर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वह बच्चे को मृत घोषित किया गया। इस मामले में आरोपी आपली बस के चालक सुरेश मानिकराव पार्टी उम्र 45 साल के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया है। गौरतलब है कि आराध्य के पिता जालंधर में मजदूरी का काम करते हैं और लड़की के मामा की शादी में वो सब नागपुर आए थे, लेकिन इस दुर्घटना के कारण उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। दिन ब दिन बढ़ती दुर्घटनाओं के बीच कई मासूम अपनी जान गंवा रहे हैं, जो काफी चिंतनीय विषय है। बहरहाल इस मामले की चक्षुदर्शी महिला सुनीता पाटिल ने पूरा आंखों देखा मामला बयां किया है, साथ ही आपली बस प्रशासन पर भी सुरक्षा विषयक सवाल उपस्थित किया है। माझे नाव सुनीता नागसेन पाटिल आहे, ती आपल्या मामाच्या लग्नाला आलेली आहे, आली तर बाहेर गावची मुलगी आहे ती, तिची आई वडील इथेच आहेत, पर ते तिची आजी नाही का कचरा फेकायला त्याकाठ गेली, रस्ता पार केलं तिनं, तर तिला तेवढं नाही माहित होतं की माझ्या मागं ती मुलगी येत आहे म्हणून सरी, तर तेवढ्यात ते बस नाही का आली आणि तिला पत्थर मारून ते पुढे चालली गेली। आम्ही बसला आवाज नाही दिला, आमच्या इकडल्या मुलांनी पाहिलं तर बस तिथं अडवलं, नाही पोलीसवाल्यांनी दिलं। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ मनीष टेबरी की रिपोर्ट।